एक सीन हो गया, सीन ये हो गया कि आंटी कह रहे हैं कि यार काफ़ी सुबह से लगे हुए हैं अकेले, तो बोला कि स्टाफ भी नहीं है और खाना तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा अगर तुम बनाना चाहते हो तो। हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते जी, दिस इज अबोय अंशुल कपूर, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। सो गाइस, अभी हम शिफ्ट से आउट हुए हैं और मैं और अमित सर हमारे, हाय गाइस, से हाय वंस अगेन, नहीं हाय गाइस। सो हम अभी जा रहे हैं टोरल कैफे, मतलब इंस्टेंट प्लान बना। सो गाइस, अभी अविनाश पठानिया हमारा एक कलीग है, मेरा दोस्त ही है हमारा। सो अभी वो अमित भाई की गाड़ी लेके आ रहा है और भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो सबसे मिलवाता हूँ धीरे धीरे। और यहाँ से टोरल कैफे अप्रोक्स 7 to 10 kilometers है और देखते हैं अभी आगे का सीन, काफ़ी अच्छे नज़ारे होने वाले हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, मैं अभी कंडी में हूँ और कंडी से बता रहा हूँ कि यहाँ से 7 to 10 बोला मैंने शायद, आई थिंक वो है 5 to 7 ना। सो गाइस, फाइनली वेट इज़ ओवर और पठानिया जी हमारी गाड़ी लेके आ रहे हैं। सामने हमारी दिख रही होगी आप लोगों को, नहीं दिख रही, अभी दिख रही है थोड़ी बहुत। पठानिया जी इज़ ऑन द वे। सो गाइस, फाइनली हमारे फ्रेंड कलीग हमारे दोस्त हमारे थोड़े नर्वस हो रहे हैं। मेहता जी हमारे बहुत ही अच्छे खास मित्र यार, मेरे को ब्लॉग बनाने दे और पठानिया। सो पठानिया, हाउ आर यू? थैंक यू। पठानिया जी हमारे आ गए हैं गाड़ी लेके और और सो गाइस, हमारे साथ हमारी एक और फ्रेंड भी है और मेहता साहब भी फुल पावर रेडी है और अभी हम ड्राइव करने वाले, एक और बाइक भी है और कौन है साथ में बताएंगे आप जरा? There's a few guys. कौन कौन? He's already in room, so we are waiting for him. तो गाइज, मुझे ये बाइक चलानी पड़ेगी और मैं तो साहब थोड़े से नर्वस हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी जो फ़ोन जो हैंडल करने वाले वो मेहता जी करेंगे पीछे, या फिर जो भी मेरे पीछे बैठेगा वो हैंडल करेगा। सो आई होप आपको व्यू जो मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। सो फाइनली वी आर रेडी और प्रभजोत भी आ गई है, से हाय पागल। और बेटा यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो ना, आप आज ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहे। सो गाइस, दिस इज अ माउंटेन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए हम पहाड़ों की ओर जा रहे हैं अभी, और देखिए रास्ता थोड़ा सा वैसा ही है और बाइक पे राइड नहीं है, पीछे से पठानी अरे पठानी भी आ रहे हैं पीछे से और ये राइड क्या ही करेगा ये। गाइस फाइनली, एक मिनट। सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड एट टोरल कैफे और भाई जो लाइट जली हुई है वो वहीं पे है यार, काफ़ी अंधेरे में, पता नहीं क्या ब्लॉगिंग कर रहा हूँ लेकिन जो भी है चलो अच्छा है। बाकी कभी किसी दिन अच्छे बढ़िया दिन पे वीडियो बनाएंगे, मतलब अच्छा भी होगा जिसको। फाइनली वी रीच टोरल कैफे पर यार हमारे साथ थोड़ा एक सीन हो गया, सीन ये हो गया कि आंटी कह रहे हैं कि यार काफ़ी सुबह से लगे हुए हैं अकेले, तो बोला कि स्टाफ भी नहीं है और खाना तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा अगर तुम बनाना चाहते हो तो। बाकी यार व्यू तो मतलब अभी मुझे जो दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा है, बाकी आपको पता नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, बाकी डिस्कशन चालू है। बाकी ये ऐसा कुछ व्यू है यार, काफ़ी अच्छा कैफे वैसे तो। सो गाइस, फाइनली आंटी को मना लिया गया है प्रभजोत के द्वारा। और प्रभजोत क्या बना रहा होगा जरा? मैगी बना रहे हैं। हाँ। टाइड है आंटी जी। तूने कैसे बनाया? कुछ नहीं, बोला कि आपके बच्चे ने का टेस्ट। चलो ठीक है, बढ़िया। यहाँ की मेन खासियत बात है वो है सिटिंग जो है, ये पूरा स्लेट है और उसी से बनाया हुआ पूरा नेचुरल वो तरीके से, और काफी अच्छा कैफे है यार वैसे तो, यू हैव टू एक्सप्लोर। But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays,
way back a year ago. पूछे ओ मामा, ओ मामा गाने का। सो गाइस चार्जिंग नहीं लगाया, चार्जर नहीं है मेरे पास, स्पीकर लाए यार हम लोग, और डैड है वो। सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, और आई होप आपको थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, और कभी दिन के टाइम में आपको ये वाला व्यू दिखाऊंगा, काफ़ी सुंदर व्यू है इस जगह का। और इतना ही, इसी के साथ पीस आउट, बूम। Some things are not the same as they were a year ago, but all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.